लॉकडाउन के हालातों को देखते हुए युवा वर्ग द्वारा गरीब तबके की हर संभव मदद की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समाज सेवियों द्वारा गरीब तबके को राशन मुहैया कराया जा रहा है। युवा गर्व के द्वारा राहत सामग्री बांटकर कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कबरई विकासखंड के सिझहरी गांव में युवा समाज सेवी नरेश राजपूत द्वारा 100 से अधिक राशन सामग्री पैकेट के साथ ही 1000 मास्क का वितरण भी किया गया। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नरेश राजपूत ने ग्रामीण परिवारों से घर से बाहर न निकलने की अपील भी की। साथ ही साथ उनके द्वारा कोरोना जैसी भयानक बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए गए। युवा समाज सेवी नरेश राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया है कि लॉकडाउन खत्म होने तक गरीब परिवारों की हर संभव मदद यूं ही की जाती रहेगी। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। हम लोगों ने सुजहरी गांव में चूंकि कोरोना वायरस फैल रहा है उसके संक्रमण के बचाव के लिए अपने स्तर से प्रयास किए हैं, चूँकि लोगों को जागरूक किया और मास्क के वितरण के अलावा 1000 मास्क के वितरण करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था और वो भी पूरा होने जा रहा है, क्योंकि हर आदमी के और जो भी जन यहाँ के हैं उन सबके मुंह पर मास्क होना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम लोग हाथ जैसे गंदे हाथ है कहीं से भी आते हैं और लगा लेते हैं तो संक्रमण चूँकि गले से ही फैलता है और इसमें बचाव होता नहीं है, आज तक दवा बनी नहीं है इसकी, और जो भी इसके संक्रमण से हो जाएगा तो वह तो उसकी मृत्यु निश्चित है, चूँकि बचाव ही इसका एक उपाय है। हम लोगों ने लगभग 45 से 50 लोगों को राशन का वितरण किया, जिनके लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनकी माता हैं वृद्ध हैं उनको भोजन की व्यवस्था की और गांव को सैनिटाइज करने के लिए यहां पर दवा का छिड़काव किया जिससे कि और बीमारियां ना फैलें और लोग उससे बचे रहें।